राजस्थान के बारां शहर के जिला अस्पताल के सामने कुछ दिन पूर्व एक डॉक्टर दंपति के घर नकदी व जेवर लूट के मामले में फरार चल रहे तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिनकी निशानदेही से 2,68,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के सर मुंडवा कर सोमवार सवेरे शहर में शिनाख्त परेड निकाल मौके पर ले जाकर घटना को किस तरह अंजाम दिया इसकी जानकारी ली। डीएसपी ओमेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि 29 जुलाई को डॉक्टर एस के अग्रवाल व डॉक्टर उषा अग्रवाल दंपति के घर उनके ही नौकरों ने बाहर के लोगों के साथ मिलकर साजिश रच चाकू की नोक पर नकदी व जेवर लूट की घटना को अंजाम दिया था। मामले में दंपति के नौकर चंद व उनके मेडिकल पर काम करने वाला कर्मचारी दिनेश गोस्वामी ने लूट की योजना बनाकर अन्य आरोपी भरत गोस्वामी, अजय बैरवा व रणजीत गोस्वामी को साथ लेकर लूट की घटना को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपियों से घटना की तस्दीक की गई कि कैसे घटना को अंजाम दिया और कैसे फरार हुए। घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला ये है कि 29 को डॉक्टर दंपति के यहाँ लूट की वारदात हुई थी, जो बारां शहर की काफ़ी सनसनीखेज वारदात थी। इस प्रकार की घटनाएं यहाँ होती नहीं। इस बारे में जानकारी की तो पता लगा कि इन्हीं के जो कर्मचारी और नौकर है, जिनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, उन्हीं लोगों ने बाहर के अपराधियों के साथ मिल करके और ये योजना बना करके और ये घटना की थी, जिसमें इनके जो नौकर है रूपचंद को, जो यहाँ का ड्राइवरी का रहने कार्य भी देखता था, उसको इस बात की जानकारी थी कि इन्होंने को इंदौर में प्लॉट बेचा है, उसके पैसे इनके पास हो सकते हैं। इसके अलावा भी इनके पास नकदी वगैरह रखी थी, इनको पता रहता था। इनके मेडिकल स्टोर में जो कर्मचारी काम करता है दिनेश गोस्वामी और रूपचंद चौकीदार ने मिलकर के योजना बना के, और भरत गोस्वामी और उसके साथ में दो लड़के और अजय बैरवा और राजवीर, इन्होंने जो है ये वारदात अंजाम दी थी, जिसमें जो गिरफ्तार हुए हैं मुलजिम उनको लेकर के यहाँ आए और इनसे घटना स्थिति तस्दीक कराई जा रही है कि किस प्रकार से इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है और किस प्रकार से यहाँ आए हैं और किस तरह फरार हुए हैं, इस बारे में तस्दीक घटना स्थल कराई जा रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।